नाम बताइए। मेरा नाम मानसी यादव है। आप कहाँ से हैं? मैं हरियाणा रेवाड़ी से आई हूँ। तो किस तरह की परेशानी का सामना करना पड़ता है जब आपके घर में? हमारे घर में तो फसल बोने का टाइम आता है, मुख्य तो हमारे यहाँ पे दो ही फसल होती है, रबी और खरीफ में होती है गेहूँ, सरसों और बाजरा। लेकिन बाजरे में जैसे अब बारिश नहीं हो रही तो सारा बाजरा चल गया, दोबारा बोआना पड़ रहा बाजरा। अगर बारिश ज़्यादा हो जाती है तो वो वैसे ख़राब हो जाता है, दोबारा बोआना पड़ता है। तो मतलब जो एक बार जो खर्चा हुआ है वो दो से तीन बार हो जाता है। हाँ, बाजरे के टाइम में दो से तीन बार हो जाता है, लेकिन उसका मुनाफा हमें कुछ नहीं मिल पाता है लास्ट में। जैसे कि पिछले ईयर जो हुआ, किसान ने जो सरकार ने बनाया था 1950 रुपये किया था उसका रेट, बाजरे का रेट 1450 रुपये किया था, लेकिन वो बिका कितने पे? ओनली 1150 तक। उसका हमें डेढ़ गुना तो क्या आधा ही तो घर में किस तरह की चीज़ें सुनने को मिलती हैं? घर में चीज़ें सुनने की मिलती है कि जैसे खाद पे ज़्यादा पैसे वेस्ट हुए, खाद भी, बीज भी, फिर पानी भी, फिर बुआई जुताई भी सब कुछ करना पड़ता है, उसका हमें कुछ भी नहीं मिल पाता, 1% भी फायदा नहीं मिल पाता उसका। इस वजह से हमारे पेरेंट्स बहुत दुखी रहते हैं सब चीज़ों। तो क्या वो इस बात से भी कहते हैं कि हाँ तुम भी किसानी करना या कुछ और बनना है? अगर आज ये पेस जब पास होगा, अगर ये कानून बन जाएगा तो मैं भी किसान बन सकती हूँ। सरकारी कहाँ से हैं आप? मैं भमलावास से हूँ। ठीक है, तो आपके पिताजी किसान हैं? यस। तो किस तरह की परेशानियाँ आपको घर में देखने को सुनने को मिलती हैं? हमारे घर में जो खाद बीज जो होते हैं खेती के लिए, उसमें जो मुनाफा है वो नहीं होता हमारा, जो खेती वगैरह होती है जैसे बाजरा है, इसका जो रेट है उसके अनुरूप हमें उसका मुनाफा नहीं मिलता, बल्कि उसका डेढ़ गुना हमें मिलना चाहिए। लेकिन कम से कम सीखा किसान। पापा घर में किस तरह की बात करते हैं, मम्मी किस तरह की बात करती है, वो परेशान रहते हैं इस मामले को लेकर के? बिल्कुल परेशान रहते हैं। जब खासकर बिक्री का टाइम आता है तो क्या बोलते हैं? जो हम जो खेती की है उसका हमें जो मुनाफा है वो नहीं हो रहा। ठीक है, आपका नाम क्या है? मेरा नाम महिला शर्मा है। तो आप भी वहीं से इनके साथ आई स्कूल? यस। तो आपको किस तरह की परेशानी झेलनी पड़ती है, खासकर एज अ बच्चे के नाते घर में आप सुनती होंगी माँ से, बाप से, पापा से? जब माता पिता परेशान होते हैं तो बच्चों को भी परेशानी होती है। हमारे माता पिता कहते हैं कि खेती में मतलब जो उनको मुनाफा नहीं हो रहा है, वो लागत लगाते हैं परंतु उनसे डेढ़ गुना उनको मिल नहीं रहा है। तो मैं इतना ही चाहती हूँ कि सरकार एक ऐसा कानून बनाए जिससे किसानों को डेढ़ गुना ज़्यादा मुनाफा मिले। आप किसान बनना चाहेंगे फिर? नो सर। ठीक है, कैसे हैं आप? हेलो, वाईफाई कहाँ पर आते हैं? कैसे काम करते हैं? कनेक्ट करो सर्च करो ना। अच्छा, मोबाइल में इस्तेमाल में लगा कौन सा कॉल है? वैसा कॉल तो सुबह का है। ठीक है।